ऑस्ट्रेलिया का सूखा रेगिस्तानी इलाका जिंदा रहने के लिहाज से दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, मगर इतनी मुश्किल में भी कुछ जीव खुद को जिंदा बनाए रखते हैं, जैसे कि रेड कैंगरू। लाखों साल में इसने बहुत कुछ सीखा है, मगर इस बार खतरा बहुत बड़ा है। यहां जबरदस्त सूखा पड़ा है, हजारों जीव पानी और खाने की कमी के कारण मर चुके हैं। ये शानदार कैंगरू भी खतरे की चपेट में है। क्या वो इस जबरदस्त सूखे से बच पाएगा, या फिर इस जंग में रेड कैंगरू का भी काम तमाम हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पुराना कॉन्टिनेंट, करीब 3/4 ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही दिखता है। इसके बीच वाले हिस्से में साल में सिर्फ 13 सेंटीमीटर बारिश होती है। टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मगर यहां रहने वालों की मुसीबत यह है कि यहां मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये ऐसा इलाका है जहां मौसम नहीं बदलता, सिर्फ उसका मूड बदलता है। यहां वही जिंदा रहेगा जो मौसम की मार झेल सके और उसके साथ चल सके। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहने वाले रेड कैंगरू की तो इस काम में पूरी मास्टरी है। बच्चे को थैली में रखने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है। रेड कैंगरू फीमेल्स करीब करीब हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती हैं। इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यहां के अनप्रेडिक्टेबल मौसम के हिसाब से बदल डाला है। एक फीमेल एक साथ 3 बच्चों तक को पाल सकती है और तीनों डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर होते हैं। ये है पहला बच्चा, पीनट। मां के पेट में 33 दिन रहने के बाद ये बाहर आया है। न इसकी आंखें हैं और न ही बाल। पिंक कलर का ये बच्चा मूंगफली के साइज जितना है। चलिए इसका नाम रखते हैं रस्टी। अभी इसमें ताकतवर पिछले पैरों के निशान तो दिख ही नहीं रहे, जो कैंगरू की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। हाथों से मां के पेट पर चढ़ते हुए ये निपल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ स्मेल और अपने इंस्टिंक्ट की मदद से। इसके फौरन बाद फीमेल फिर से मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके हॉर्मोन्स फिर से ओव्यूलेशन शुरू कर देते हैं। फर्टिलाइज होते ही मां का एंडोक्रिन सिस्टम इस नए एम्ब्रियो को एक तरह से फ्रीज करके रख देता है। ये दूसरे नंबर का बच्चा है। इसका डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब पीनट मां का दूध पीना कम करेगा। और ये है तीसरे नंबर का बच्चा। ये पाउच के बाहर से भी कभी कभार मां का दूध पी लेता है, बाकी टाइम ये आसपास की दुनिया देखता रहता है। फीमेल एक जीती जागती असेंबली लाइन जैसी है, जो एक साथ 3 अलग अलग साइज के बच्चे पालती है। मगर मुश्किल आने पर इसे भी कड़े फैसले करने पड़ते हैं। वो अपने पाउच में पल रहे पीनट की मिल्क सप्लाई बंद कर देती है और उसके मरते ही फ्रीज पड़े एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फिर शुरू कर देती है। मगर हमारा रस्टी बहुत अच्छे ढंग से बड़ा हो रहा है। अब तो वो थोड़ा थोड़ा कैंगरू जैसा दिखने भी लगा है।
तीन महीने का होने तक ये बाहर की दुनिया की आवाजें भी सुनने लगता है, जहां जल्द ही इसे भी आना है। ये दुनिया इसके लिए बहुत अनजानी है और इसीलिए वो कुछ टाइम और पाउच में ही रहना पसंद करेगा। बाहर खाने की कोई कमी नहीं, मगर इस इलाके में लंबे पैर सिर्फ कैंगरू के पास ही नहीं होते। ये एमयू है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नेटिव बर्ड। इसके पैर भी खूब बड़े होते हैं। इसके पंख करीब 80% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नीचे की स्किन ठंडी बनी रहती है। और इस मेल एमयू को तो वैसे भी दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल एमयू पर ही होती है। बच्चे पूरे 18 महीने तक उसके साथ साथ बने रहते हैं, मगर एमयू कैंगरू जैसे केयरिंग पेरेंट्स नहीं होते। नए बच्चे पैदा होते ही ये बड़े बच्चों को छोड़ देता है। ये कैंगरू की तरह उनकी देखभाल नहीं करता। रस्टी तो अब भी खाने और प्रोटेक्शन के लिए अपनी माँ के भरोसे है और उसके साथ ही बना रहता है, मगर अब लगता है कि उसे भी आजादी की हवा लग गई है। शायद यहां कुछ मजेदार देखने को मिले। जल्दी ही वो दूसरे कैंगरू से दूर चला जाता है और यहां उसके लिए खतरा हो सकता है। कैंगरू के बच्चों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा होता है। ये वेज टेल ईगल है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शिकारी चिड़िया, और कैंगरू के बच्चे इसे बहुत पसंद भी हैं। मां को पता भी नहीं है कि रस्टी कहां है, मगर ईगल बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है। रस्टी के बड़े कान उसे बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ठीक ठीक समझ सके। से दूर जाते ही रस्टी मुसीबत में घिर गया है। ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो रस्टी की हड्डियां भी तोड़ सकता है और उसे अपने साथ घसीट सकता है। मगर तभी आसपास कुछ हलचल सी होती है। एक बेचारा खरगोश जान बचाकर भाग रहा है। रस्टी की किस्मत अच्छी रही कि ईगल को इस बार आसान शिकार मिल गया। रेड कैंगरूज और वेज टेल्ड ईगल्स एक ही इलाके में रहते हैं, और जब ईगल के बच्चे छोटे होते हैं तो वो लगातार शिकार करता है। ईगल की 10% से ज्यादा डाइट कैंगरू से ही पूरी होती है। रस्टी की उम्र अब 8 महीने की हो चुकी है और वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसे हमेशा पाउच से बाहर ही रहना होगा। कुछ महीने बाद उसे मां का दूध भी मिलना बंद हो जाएगा।
अब माँ धीरे धीरे उसकी मिल्क सप्लाई कम कर रही है क्योंकि उसके पाउच में एक और बच्चा पल रहा है और उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। माँ अब दो तरह का दूध बना रही है, रस्टी की बहन के लिए पतला दूध और रस्टी के लिए गाढ़ा दूध। दोनों तरह का दूध अलग अलग निप्पल से निकलता है। मगर रस्टी जैसे मेल्स खूब दूध पीते हैं और दूध पीना छोड़ने तक फीमेल कैंगरू से 10% बड़े हो चुके होते हैं। लाड़ प्यार बहुत हो चुका। रस्टी की मां ने अब उसे पूरी तरह से अलग कर दिया है। दूध अब दूसरे बच्चों को चाहिए। रस्टी भी आसपास के इलाकों को जानने समझने निकल पड़ा है। जल्दी ही उसे कैंगरूज का एक और ग्रुप दिखता है। ये ग्रे कैंगरूज हैं। ये रेड कैंगरूज से छोटे होते हैं और प्रेडिक्टेबल मौसम वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ग्रे कैंगरूज पानी की बचत नहीं करते और रेगिस्तान के किनारे पेड़ की छांव में आराम करना पसंद करते हैं। उनके लिए भी रेड कैंगरू का दिखना शायद एक नया एक्सपीरियंस है। ये उन दूर के रिश्तेदारों के मिलने जैसा है जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही हो। ये कुछ अजीब तो है। और ये है कैंगरू परिवार का एक और सदस्य, वॉलरूस। साइज के हिसाब से ये रेड कैंगरू और वॉलबीज के बीच की स्पीशीज है। ये शेड और पानी की तलाश में अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही ज्यादा मिलता है। रेगिस्तान में रहने वालों के लिए पानी से कीमती कोई चीज नहीं होती, मगर गारंटी नहीं कि पानी मिल ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ पानी होता है सारे जीव वहीं जमा होते हैं। एम्यू, रेड कैंगरू और वॉलरूस सब पानी पीने आए हैं, मगर धूप इतनी तेज है कि पानी सूखकर दलदल बनता जा रहा है जिसमें जीव फंस भी सकते हैं। रस्टी को वैसी तेज प्यास नहीं लगी है जैसी ग्रे कैंगरूस को लगी है। रेड कैंगरू की किडनी इतनी कमाल की होती है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेती है और उनका कम पानी से भी काम चल जाता है। मगर ग्रे कैंगरू को लगातार पानी पीना पड़ता है और यही प्यास कई बार उन्हें मुसीबत में डाल देती है। ग्रे कैंगरू का ये बच्चा बहुत गहरी मुसीबत में है और शिकारियों की नजर भी उस पर पड़ चुकी है। ये शिकारी है डिंगो। कैंगरू का बच्चा अगर मिल जाए तो डिंगो की तो मौज हो जाती है। अगर कोई कैंगरू कीचड़ में फंस जाए तो उसे भला कौन शिकारी छोड़ेगा? दूसरे कैंगरू भी उसकी मदद नहीं कर सकते। इसका मरना तय है। रस्टी अभी सिर्फ 18 महीने का है, मगर उसमें इतनी समझ तो है कि वो झटपट खतरे से दूर भाग आया। उसे अब बढ़िया खाने की तलाश है। वो अब भी बच्चा है और एडल्ट्स के मुकाबले तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है। वैसे तो कैंगरूज के झुंड में हजारों कैंगरूज होते हैं, मगर ये झुंड कुछ ज्यादा ही छोटा है। रस्टी के यहां पहुंचते ही इस ग्रुप के एक मेल के कान खड़े हो गए। दोनों का साइज और एज एक जैसा ही है। जोड़ी बराबर की है, लिहाजा मुकाबला शुरू हो गया। मगर यह कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है।
इससे ये जो भी सीखेंगे वो आगे इन्हीं के काम आएगा। जिसके हाथ लंबे होंगे मुकाबला वही जीतेगा, और फीमेल्स को बस विनर से ही मतलब है। रस्टी इस बार तो नहीं जीत पाया, मगर आज इसने बहुत कुछ सीखा है। इस उम्र में कैंगरू काफी सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें काफी सरप्राइजेस भी होते हैं। घास में सरसराहट होने से इस ग्रुप में थोड़ी घबराहट फैल गई, जिसमें रस्टी भी शामिल है। मगर रस्टी पास से देखना चाहता है। ये एक शिंगल बैक लिजर्ड है। इसकी चमड़ी काफी मोटी होती है और पूंछ देखने में सिर जैसी लगती है, इसीलिए इसे एक और नाम मिला है, टू हेडेड स्किंक। रस्टी जानना चाहता है कि इसके साथ क्या किया जा सकता है, इससे दोस्ती की जाए, इसके साथ खेला जाए, या फिर ये खाने की चीज है। मगर ये लिजर्ड तो इसमें से किसी काम की नहीं लगती। आखिरकार रस्टी ने इससे दूर जाना ही बेहतर समझा। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का ये रेगिस्तान कई हफ्तों से सूखा पड़ा हुआ है। छोटे मोटे सारे पौधे खत्म हो चुके हैं। खाने की जब इस हद तक कमी हो जाती है, तब भी रेड कैंगरू जिंदा रहने का कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। हालांकि पानी के बिना वो भी जिंदा नहीं रह सकते, मगर करीब 150 किलोमीटर दूर मौसम बदल रहा है। यहाँ बादल जमकर बरस रहे हैं और बारिश का पानी सूखी धरती को भिगो रहा है। यही पानी नहरों नदियों से होता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगा, जहां बारिश हुई भी नहीं है। अभी तो ये नहरें सूखी हैं, मगर क्योंकि ये निचले इलाके में हैं, इसलिए जल्द ही पानी यहां पहुंच जाएगा। जो जगह अब तक सूखी पड़ी हुई थी, अब वो बदल रही है। बजरीगर्स के बड़े बड़े झुंडों से लेकर डेंगू मदर और उसके बच्चों तक सब के सब पानी देखकर खुश हो गए हैं। ईगल का बच्चा अपने नए पंख फड़फड़ा रहा है, और ये नौजवान कैंगरू एक अलग ही मस्ती के मूड में है। एमयू जमकर पानी पीते हैं। एडल्ट एमयू दिन भर में 15 लीटर तक पानी पी जाते हैं। सभी एमयूज की तरह बच्चे भी पानी में नहाने का मजा लेते हैं। इस रेगिस्तानी इलाके में करीब 5 लाख एमयूज फल और बीज तलाशते हुए घूमते रहते हैं, और एमयूज की वजह से ही यहाँ के इकोसिस्टम को भी बहुत फायदा पहुंचता है। फल फूल खाते हुए ये आगे बढ़ते जाते हैं और उनके बीज नीचे फैलाते जाते हैं। इन्हीं बीजों से आगे चलकर नए पौधे पनपते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। रस्टी अब 5 साल का हो चुका है। रेड कैंगरूज का ताकतवर शरीर इन्हें कहीं भी पहुंचा सकता है,
लेकिन कई बार बदकिस्मती और कम एक्सपीरियंस की वजह से ये खतरे वाली जगह भी पहुंच जाते हैं। इनलैंड टाइपेन दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसकी एक बाइट में इतना जहर होता है जो 100 एडल्ट इंसानों की जान ले सकता है। और मैमल्स तो इसके खास दुश्मन हैं। ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में रेप्टाइल्स खूब मिलते हैं, मगर कैंगरूज अच्छी तरह जानते हैं कि सांपों से दूर रहने में ही भलाई है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की सबसे ज्यादा जान तो ब्राउन स्नेक्स की वजह से जाती है, मगर ये यहां का सबसे बड़ा रेप्टाइल नहीं है। रेप्टाइल किंग तो ये है। 2 मीटर तक लंबा पेरेंटी जहरीला भी है और भागता भी तेज है। एक बड़ा पेरेंटी छोटे कैंगरू तक को हजम कर सकता है, लेकिन आज तो ये इस ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के पीछे पड़ा है। पेरेंटी अपनी 2 मुही जीभ की मदद से ब्राउन स्नेक की गंध का पता लगाकर उसके पीछे पीछे इस बिल तक पहुंच जाता है। बिल में सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके आगे पेरेंटी तैनात है। बचने के लिए यहां छिपकर ब्राउन स्नेक ने गलती कर दी। इतना जहरीला सांप होने के बाद भी ये दूसरे रेप्टाइल का शिकार बन गया। टाइम के साथ साथ रस्टी की उम्र और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ रहे हैं। अब उसका वजन 70 किलो के करीब पहुंच चुका है और अब तक वो दर्जनों मुकाबले लड़ चुका है। इस ग्रुप से वो पहले भी मिल चुका है और इस बड़े मेल से भी, जिससे पिछली बार वो डर कर भाग गया था। मगर ये 5 साल पहले की बात थी। इस बार रस्टी भागेगा नहीं। दोनों एक दूसरे के सिर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही अपना सिर पीछे रखते हैं ताकि वहां चोट न लगे। हालांकि ये एक तरह की कुश्ती ही है, मगर जो इसमें जीतेगा वो ग्रुप का लीडर बनेगा और हारने वाला एकदम अकेला रह जाएगा। टेस्टिकल्स में चोट न लगे इसलिए उनको अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। डार्क ब्राउन कलर का रस्टी शानदार टक्कर दे रहा है, मगर ये अल्फा मेल उससे भी कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। कोई जीते या हारे, फीमेल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अच्छे जीन्स चाहिए। मगर इन दोनों में रस्टी ज्यादा जवान है और वो पूरी ताकत से लड़ भी रहा है। आखिरकार लीडर हार जाता है। अब सबका ध्यान इसी पर है। इनका नया लीडर रस्टी है और उसे इसका इनाम भी मिलेगा। उसकी पहली पसंद ये वाली फीमेल है, मगर पहले वो सूंघ कर ये पता लगा रहा है कि वो मेटिंग के लिए तैयार है या नहीं। फीमेल तैयार है, मगर रस्टी के पास भी टाइम ज्यादा नहीं है। फीमेल बस कुछ ही घंटों के लिए रिसेप्टिव रहती है और मेटिंग इसी बीच होनी जरूरी है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फीमेल भी तो एक नहीं है। रस्टी को बहुत काम करना है।
अब वो किंग कैंगरू है और फीमेल्स के साथ मेटिंग के अलावा उसे दूसरे मेल्स को भी ग्रुप से दूर रखना है जो उसकी लीडरशिप को चैलेंज देने यहाँ आएंगे। मगर रस्टी की फिक्र यहीं खत्म नहीं होती। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और जमीन सूख रही है। इवेपोरेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि जानवर और पेड़ पौधों सबका बुरा हाल है। कहना मुश्किल है कि यहाँ मौसम कब बदलेगा, मगर बदलेगा जरूर। और ये देखिए इस गर्मी ने रेड कैंगरू को क्या सिखाया है। गर्मी से लड़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी पीठ पर जो फर है वो करीब 30% हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है और इनकी स्किन ठंडी बनी रहती है। इस थर्मल फुटेज में स्किन ब्लू कलर की दिख रही है। सामने वाले हाथों को लार से गीला करके ये अपने ब्लड को ठंडा करते हैं। ये ब्लड बहुत घनी कैपिलरीज से होकर स्किन के पास तक पहुंचता है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और इसने एक तिहाई मेल्स को बच्चों को जन्म देने लायक नहीं छोड़ा है। अगर ऐसा ही टेम्परेचर 3 महीने तक बना रहा तो ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। रेड कैंगरू अपने स्पर्म बचाने के लिए स्क्रोटम्स को थूक से गीला रखकर ठंडा करते हैं। लड़ाई के वक्त ये स्क्रोटम को सिकोड़ लेते हैं, मगर अभी इस गर्मी में वो इसे ज्यादा से ज्यादा बाहर लटकाए रखते हैं और बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले उसे 7 डिग्री ठंडा रखते हैं। जमीन से कुछ ही इंच नीचे की रेत भी ऊपर के मुकाबले ठंडी होती है। जब तक ठंडी रेत नहीं मिलती, रेड कैंगरूज जमीन खोदते रहते हैं और फिर कई महीनों से यहां बारिश नहीं हुई है। सूखी बेजान घास से उसे खास एनर्जी नहीं मिलती, मगर तभी तेज बिजली कड़कने लगती है। हालांकि बारिश तब भी नहीं होती। बारिश के बजाय ये मुसीबत लेकर आती है, भूख से भी बड़ी मुसीबत। बिजली गिरने से सूखी घास में आग लग जाती है। हालांकि कैंगरू आसानी से इस आग से बच निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाके का करीब 10% हर साल ऐसी आग में बर्बाद हो जाता है। कुछ ही घंटों में बची खुची घास भी खत्म हो जाती है। रस्टी को इससे दूर जाना होगा, मगर वो जाए भी तो कहां जाए? कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में सैकड़ों साल में एक आध बार ही ऐसा सूखा पड़ता है। गर्मी अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहां रहने वाले किसी भी जीव ने ऐसा सूखा कभी नहीं देखा, ना ही रस्टी ने। ज्यादातर जीव भूख और प्यास से बेहाल हैं, मगर इसके बाद भी अगर कोई जिंदा बच सकता है तो वो है रेड कैंगरू। इंसान के शरीर में 60% पानी होता है, जबकि रस्टी जैसे किसी कैंगरू में ये 70% तक हो सकता है। इतनी तेज गर्मी में भी वो डिहाइड्रेशन से बचा रह सकता है, जिसमें शायद ही कोई इंसान बच पाए। रेड कैंगरू को पसीना तभी आता है जब वो भागता है। आराम करते वक्त वो हांफते हैं, जिसमें पसीना निकलने जितना पानी खर्च नहीं होता। एक मिनट में 200 बार सांस लेकर वो अंदर से अपने शरीर और दिमाग को ठंडा बनाए रखते हैं। इसके अलावा वो अपने हाथ चाट चाट कर उनको ठंडा करते रहते हैं, मगर इसमें भी उनके शरीर का पानी तो खर्च होता ही है। अगर सूखा मौसम और लंबा खिंच गया तो शरीर को इस तरह से ठंडा रखना मुश्किल हो जाएगा। जहां भी
थोड़ी सी छांव मिल जाए, कैंगरू वहीं सुस्ता लेते हैं। मौसम की मार के कारण फीमेल अपनी मिल्क सप्लाई रोक देती हैं। बच्चे पालना जरूरी है, मगर जान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी। पाउच से बाहर सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे पहले मरते हैं। इसके बाद बारी आती है पाउच के अंदर रहने वाले बच्चों की। उनके मरते ही फीमेल अपने फ्रीज पड़े एम्ब्रियो को फिर से एक्टिवेट कर लेती हैं। मगर सूखा लंबा चला तो उसका मरना भी तय है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से रोक देती हैं। रस्टी जैसे ताकतवर कैंगरू का भी बुरा हाल है। इन हालात में मेल कैंगरू पहले मरते हैं, खासकर रस्टी जैसे बड़े कैंगरू जिनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। रेड कैंगरू के मरते ही वेजटेल ईगल्स की दावत शुरू हो जाती है। और इस मौसम में सिर्फ रेड कैंगरू ही परेशान नहीं है, सूखे की मार सब पर पड़ी है। जरा सी खुराक के लिए शिकारी भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। पानी थोड़ी बहुत जगहों पर ही बचा है। पानी खारा और रुका हुआ है। आमतौर पर जीव ऐसे पानी को मुंह नहीं लगाते। मगर वो प्यास से बेहाल हैं। सूखे ने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो अभी शुरुआत है। ऑस्ट्रेलिया में अब ऐसे सूखे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है और मरने वाले जीव भी, इन्हीं में कई रस्टी के बच्चे भी हैं। ऐसे इलाकों में सूखे की मार से 80% तक कैंगरूज जान से हाथ धो बैठते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहने वाले भी कम हिम्मत वाले नहीं हैं। भले ही ऐसा सूखा सैकड़ों साल में कभी कभार पड़ता हो, मगर इन स्पीशीज ने हजारों साल में ऐसे न जाने कितने मौसम देखे और झेले होंगे। रस्टी अब भी जिंदा है। वो अपनी एनर्जी बचाकर बस इंतजार कर रहा है। मौसम बदलेगा जरूर, सारे दिन एक से नहीं होते। 12 महीने के जबरदस्त सूखे के बाद चारों तरफ उन जानवरों के ढांचे पड़े हैं जो मौसम की मार नहीं झेल पाए। मगर हालात कितने भी बुरे हों, वो बदलते जरूर हैं और यहां भी बदलेंगे। कहीं दूर बादल जमा हो रहे हैं। रस्टी को भी मौसम बदलने का पता चल गया है। कहीं ना कहीं बारिश हो रही है और जहां बारिश होगी वहां खाना भी होगा। उसे वहां तक पहुंचना ही होगा। बची खुची ताकत समेट कर रस्टी तूफान की तरफ आगे बढ़ता है।
जो रेड कैंगरू जिंदा बच गए हैं वो भी वहीं जा रहे हैं। जब रस्टी वहां पहुंचता है जहां बारिश हो चुकी है तो उसे एक नई दुनिया नजर आती है। यहां न खाने की कमी है न पानी की। इनकी खुशी इस उछल कूद से साफ पता चल जाती है। अब ये यहीं रुककर मजे से अपने दिन काटेंगे। कुछ ही हफ्तों में मेल और फीमेल सबको अपनी खोई हुई ताकत वापस मिल जाएगी और वो एक बार फिर से रिप्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मगर ये तो बाद की बात है, पहले इस नए खतरे से निपटना होगा। ये भूखे डिंगो हैं। मिलकर शिकार करने से डिंगो की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो डिंगो सबसे कमजोर कैंगरू को निशाना बनाते हैं, मगर जब ग्रुप इतना बड़ा हो तो बड़ा शिकार भी किया जा सकता है, जैसे कि रस्टी का। मगर खुशकिस्मती से उसकी खोई ताकत वापस आ चुकी है और वो पूरा जोर लगाकर भाग सकता है। रस्टी तेज जंप लगाकर अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता, वो लंबी जंप लगा रहा है। उसकी एक ही जंप 7 मीटर तक की हो सकती है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड होते ही रस्टी बड़े आराम से रॉकेट की तरह दौड़ने लगता है। रस्टी तक पहुंचने के लिए डिंगो को भी उसी की तरह तेज दौड़ना होगा। अब रस्टी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और डिंगो के मुकाबले वो करीब आधी एनर्जी ही काम में ला रहा है। डिंगो कभी उस तक नहीं पहुंच सकता। सूखे की वजह से जो बच्चे मर गए थे, रस्टी को उनकी भरपाई भी करनी है। उसका वजन 90 किलोग्राम है, वो ताकतवर है और जवान भी। उसके सिवाय कोई और इस ग्रुप का लीडर हो भी नहीं सकता। रस्टी के बच्चों को भी ऐसे ही मुश्किल और अनप्रिडिक्टेबल मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।